हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 6, पूजा पाठ हो गई है हमारी। अभी पूजा कर रही थी, आरती वगैरह सभी समाप्त हो गई है हमारी। तो फ्रेंड्स, आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज देवी भगवती के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा माता का पूजा किया जाएगा। शास्त्रीय मान्यता है कि जब असुरों के घोर अत्याचार से देव नर मुनि त्रस्त हो उठे, तब देवी माँ आई थी जो कि कुष्मांडा स्वरूप में अवतरित हुई थी। इस दिन माँ को धूप बत्ती अगरबत्ती से अच्छे से पूजन पाठ करने से माँ भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। जो नवरात्रि किए हुए हैं वो भी पाठ जरूर करते हैं, जो नहीं हैं वो जो नहीं करते हैं घर में, सुबह कम से कम भर नवरात्रि उठकर माता के हर रूप का दर्शन करने के बाद कम से कम नाम जरूर लें, इससे सारी हमारे दुख दूर हो जाती हैं। तो चलिए, अभी मैं खाना स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी बनाने जा रही हूँ कुछ खास जो कि हेल्दी सा बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लिया है मखाना। मखाना को अच्छे से भून कर मैंने निकाल लिया है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर घी डालेंगे और घी में ये है पनीर जो कि छोटे छोटे पीसेज में मैंने काट रखा है। तो इसे घी में डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। रेड कलर इसे इस पर आ जाए, मतलब रेड कलर हो जाए, तब तक इसे हमें भूनना है। तो भूनने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना रेड हो चुका है। तो इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे। ये नवरात्रि के टाइम आप खा सकते हैं। जो भी नवरात्रि किए हुए हैं, जो कि सेंधा नमक खाते हैं, एक टाइम खाना खाया जाता है, तो वो ये चीज़ बनाकर खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है। तो मैंने बादाम को भी घी में भून दिया है और भुनने के बाद उसी में मैंने डाल दिया है भुना हुआ मखाना, फिर भुना हुआ पनीर को भी ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। और हमारा आँच बिल्कुल ही धीमा होना चाहिए, नहीं तो ये सब जल जाते हैं जल्दी। इसके बाद सेंधा नमक ऊपर से डाल दें हल्का। तो हम बनाने जा रहे हैं पनीर और मखाने की चाट, जो कि हमेशा मीठा मीठा खाकर हम बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, जो कि नमक वाले चीज़ जो खाते हैं सेंधा नमक पर, जो फास्टिंग करते हैं वो खा सकते हैं ऐसे। तो देखिए, हमारा भुनकर तैयार कर दिया है, बिल्कुल ही ये हेल्दी होता है। और 9 दिन हमें फास्टिंग करना होता है, तो थोड़ा हेल्दी भोजन मिल जाए तो थोड़ा शरीर के लिए अच्छा रहता है, मन के लिए अच्छा रहता है, हेल्दी हो जाता है कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मिला दिया है थोड़ा सा दही। तो दही मिलाने के बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि सभी मिल जाए अच्छे से। बस तैयार हमारा हो गया है ये चाट। तो ये खा सकते हैं नवरात्रि के टाइम, बड़ा ही अच्छा लगेगा। सभी बच्चे मदद कर रहे हैं हमारी, अपना अपना कपड़ा खुद खींच लेते हैं इधर नवरात्रि के टाइम, क्योंकि सर्फ साबुन नहीं छूना होता है। तो अभी बच्चे ही साफ कर रहे हैं अपना अपना कपड़ा। तो ये देखिए। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज नवरात्रि के लिए ना मैंने कुछ खास ख़रीदा है जो कि आप लोगों से आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही खास चीज़ है जो कि माँ के लिए ख़रीदा है। उस साल मैंने नवरात्रि किया था ना, तो मैं सोच लिया था कि अगले नवरात्रि में खास करके उस नवरात्रि में मैंने नहीं ले पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पैसे वगैरह की दिक्कत। लेकिन इस साल मैंने अपनी माँ के लिए ख़रीद ली हूँ। तो गिर गया है। तो ये है, मैसो से मैंने मंगाया है, और क्या मंगाया है आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने खोल के देख चुकी हूँ, तब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है, देख सकते हैं, ग्लास मैंने लिया है, 12 पीसेज हैं।
और बहुत ही अच्छा ग्लास है, ये देख ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा है ये, एकदम बढ़िया ग्लास दे रहे हैं। 12 पीसेज है, 400 कितने में था? 430 में है, 430 रुपीज़ में है। तो ये आप लोग सोच रहे हैं क्यों मंगाया है, तो ये नवमी के दिन नौ कन्याओं को खिलाने के लिए मंगाया है, पानी पीने के लिए। थाली भी मंगाना है मुझे, तो अभी तो थाली नहीं मंगाई हूँ, तो मेसो से मंगाई थाली भी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये गिलास हमने मंगाया है नवमी के दिन के लिए। नवमी के दिन नौ कन्या का भोजन होता है, तो नौ कन्या के लिए मैंने ये गिलास पानी पीने के लिए मंगाया है। थाली भी मैंने मंगाया था, लेकिन थाली जब मंगाया ना तो आया तो, लेकिन उसमें 12 पीसेस मंगाई थी, लेकिन 12 थी नहीं, 6 ही थी उसमें, तो उसे लौटाना पड़ गया। और जब लौटा रही हूँ तो दूसरा चेंज किया है, चेंज करूँगी तो फिर नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी तब आएगी, इसीलिए चेंज तो कर दी हूँ पर चेंज नहीं, लौटा दी हूँ उसे, फिर वहाँ से ऑर्डर नहीं करेंगे। अब हम थाली ख़रीदने जाएंगे मार्केट में, तो जब होगा उस दिन, उसके एक दिन पहले ही सातवीं आठवीं के दिन जाएंगे मार्केट और थाली ख़रीद के लाएंगे। ये चीज़ ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि थाली में खिलाना, आप पतल पर भी खिला सकते हैं माँ को, लेकिन एक मन होता है ना कि मैं अपने माँ को ऐसे खिलाऊं, वैसे करूं, ये चीज़ करूं, ये सेवा करूं, एक इच्छा होती है अंदर से। तो इच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो में कि अपनी इच्छा के अनुसार ही करें, अगर आपको इच्छा जितना है उतना में ही चलना चाहिए, मैं हमेशा वीडियो में यही बात कही हूँ सभी को, तो जितना है उतने में आप मन से करें। अगर मन है आपको और अच्छा करने के तो और अच्छा कीजिए, अगर आपको मन है भगवान को मिश्री है तो मिश्री से भी श्रद्धा से पूजा हो जाती है, लड्डू से करना है तो लड्डू से भी हो जाती है, आपका जो मन है वैसे। तो उसी तरह मेरी श्रद्धा है कि मैं अपनी नौ माँ को नवमी के दिन अपनी माताओं को, जो छोटी छोटी माता आएंगी उनको मैं अपने इसमें खिलाऊं। वैसे तो पीतल के बर्तन में भी खिलाते हैं लोग, लेकिन कहते हैं ना जितना हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो मेरे पास इतना है, मैंने ले चुकी हूँ और थाली भी लेना बाकी है। और घर के थाली से खिला नहीं सकते हैं क्योंकि लहसुन प्याज वाले सभी थालियाँ हैं, तो इसलिए सोचा कि नया ले लूँ, थोड़ा लहसुन प्याज बिना थाली, ये हमेशा रखी रहूँगी, सिर्फ नवरात्रा में ही निकालूँगी, नौ माँ को खिलाऊँगी, वैसे तो हमेशा करूँगी ही, जितना दिन मैं नवरात्रा करूँ उतना दिन। तो फ्रेंड बताइएगा कि ये गिलास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा है ये गिलास या नहीं, लेकिन मुझे तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसे रखी रहूँगी और नवरात्रा के टाइम ही इसे यूज़ करेंगे माँ के लिए। तो चलिए आज ये काम तो पूरा हो गया अभी, तो चलिए वीडियो को एंडिंग कर देते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी बकबक, तो चलिए वीडियो को एंडिंग कर देते हैं यहीं पर और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हैं तो, और हाँ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं, सबके पास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं सबके पास शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो। तो चलिए वीडियो को, बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी।